हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सारे टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीपीएन सुपर अनलिमिटेड प्रॉक्सी वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करता है, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये एक सिक्योर एंड प्रो कनेक्टिविटी एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पे आपको अनलिमिटेड यहाँ पे ग्लोबल सर्वर्स अवेलेबल्स हो जाएंगे एंड इसके अंदर यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी लेके यहाँ पे आप अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड चेक कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी से कंट्रीज़ के सर्वर्स एंड ग्लोबल सर्वर्स अवेलेबल्स है जिसके अंदर VIP सर्वर्स है। तो जिसके अंदर पासिस वगैरह आपको लेना है तो पासिस भी ले सकते हो दोस्तों। तो चलिए करते हैं एप्लीकेशन को ओपन और आपको बताते हो एप्लीकेशन को यूजिंग किस प्रकार से कर सकते हो आप। तो आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक नया वीडियो एप्लीकेशन एंड इसके अंदर यहाँ पे आप बहुत ही इजीली तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से ओपन हो के आएगा, जिसके अंदर गेट स्टार्ट पर टच कर देना है। टच करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ प्राइम के बारे में बताएंगे आपको, तो यहाँ से स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर टच कर देना है। टच करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको 3 days एंड फ्री यूज़ अवेलेबल्स हो जाएगा एंड यहाँ पे जो फ्री में यूज़ होने के लिए आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर बेसिक सर्वर्स वगैरह आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल्स हो जाएंगे एंड VIP सर्वर्स के लिए कुछ पासेस वगैरह आपको लेना पड़ेगा। जिसके अंदर यहाँ पर आप कनेक्टिविटी लेंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड एंड डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पर दिखाई देंगे, कनेक्टिविटी का यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंड यहाँ पर लोकेशन सर्वर्स आपको यहाँ इस प्रकार से दिखाई देंगे। 3 dot वाली लाइन पे जाएंगे दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पे चेंज योर लैंग्वेज, जिसके अंदर लैंग्वेज की बात करूँ यहाँ पे तो आपको 4 languages के अंदर अवेलेबल हो जाएगा ये, जो कि जैसे इंडिया के लिए हिंदी एंड यहाँ पे इंग्लिश फ्रांस वगैरह आपको जिसको जिस लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इसके अंदर इंटरनेट स्पीड टेस्ट वगैरह करना है आपको, तो इंटरनेट स्पीड भी मैं टेस्ट करके बताऊँगा आपको। प्राइवेसी एंड पॉलिसी दोस्तों इसके यहाँ पे यूज़ ही है और कॉन्टेक्ट यहाँ शेयरिंग योर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट क्लास सबसे पहले क्या करते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे ले लेते हैं आप कनेक्टिविटी, जैसे कि अंदर इसके अंदर यहाँ पे फ्री वाले सर्वर्स के अंदर से आप यहाँ से ले लेंगे तो बेसिक सर्वर्स आपको इस प्रकार से दिखाई देगा एंड प्राइम सर्वर्स इसके अंदर यहाँ पे जो प्राइम्स लेंगे उसके बाद एंटर हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर मैं कनेक्टिविटी ले लेता हूँ फ्री सर्वर्स के, यहाँ पर कोई भी किसी भी सर्वर्स को एक टच करके आपको बताने के लिए कुछ परमिशन मांगेगा दोस्तों, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर जो कनेक्टिविटी का स्टार्टिंग ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑन हो जाएंगी दोस्तों एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी होके आ गया है सर्वर्स एंड इसके अंदर यहाँ पे आपको बैक साइड आना है। बैक साइड आने के बाद क्या करना है, बैक साइड आना है। बैक साइड आने के बाद 3 dot वाली लाइन पे जाना है एंड यहाँ पे इंटरनेट स्पीड टेस्ट करना है, तो यहाँ पे टच कर देना है एंड टच करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे टेस्ट कनेक्टिविटी पर टच कर देना है। यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर कितने KBs कितने MBs यहाँ पर चल रहा है तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पर MBPS यहाँ पर आपको दिखाई देगा, MBPS यहाँ पर, MS यहाँ पर दिखाई देगा एंड यहाँ पर डाउनलोडिंग MPPS एंड अपलोडिंग MPPS यहाँ पर आपको सभी चीज़ें दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से सर्वर्स यहाँ पे स्पीड टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक चीज़ ये हो गई यहाँ पे दोस्तों, इसको यस करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप कनेक्टिविटी सिंपल से तरीके से ले लिया आपने, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड का यहाँ पे दिख रहा है, MBPS चल रहा है दोस्तों ये, जो कि दूसरे सर्वर्स के अंदर KBPS चलता है, यहाँ पे MBPS चल रहा है दोस्तों। तो बहुत ही अमेजिंग एंड स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से कनेक्टिविटी लेने के बाद आपने सर्वर्स को यूज़ कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा डिसकनेक्टिविटी कर देना है। यहाँ पर डिसकनेक्टिविटी करने के बाद यहाँ पर डिसकनेक्ट हो जाएगा जो सर्वर्स आपने लिया था यहाँ से। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी एंड डिसकनेक्टिविटी कर सकते हैं आप, इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।